सो स्वागत है दोस्तों एक नए वीडियो में एक नए फोन के साथ। हाँ मालूम है मैं आजकल कुछ लेट ही वीडियो डाल रहा हूँ, क्या है ना भाई ऑफिस भी तो मेंटेन करना पड़ रहा है ना यार। तो आज हम बात करेंगे नार्जो 50A प्राइम के बारे में। ये फोन मिड रेंज का फोन है, कुछ 11-12 हज़ार के अंदर आता है। और इस फोन में चलिए देख लेते हैं हमें क्या क्या मिल जाता है। वैसे ये फोन मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद तो नहीं है, लेकिन मिड रेंज के अंदर यानी कि 12,000-12,500 के अंदर अगर आप कोई फ़ोन परचेज करना चाहते हैं जो परफॉर्मेंस अच्छी दे, ठीक ठाक दे, तो ये फ़ोन बेस्ट रहेगा। टाइप सी का केबल मिल जाता है आपको इसमें और एक 18 वाट का चार्जर भी, डॉक्यूमेंटेशन और फ़ोन इसके साथ, और कुछ नहीं मिलता फ़ोन के अंदर। बॉक्स के अंदर दो कलर में ये अवेलेबल है, फ्लैश ब्लैक एंड फ्लैश ब्लू। मुझे ज़्यादातर ब्लू इतना अच्छा नहीं लग रहा है, ब्लैक वाला ज़्यादा अच्छा दिख रहा है, देखिए ना राइट वाला जो है, ठीक है। और इसमें 8.1mm की अल्ट्रा स्लिम बॉडी है इसकी, काफ़ी अच्छी है, डिज़ाइन काफ़ी ठीक ठाक है। 3 स्लॉट मिल जाते हैं आपको इसमें, 2 सिम और 1 मेमोरी कार्ड डाल सकते हैं आप, 1 TB का एक्सटर्नल मेमोरी आप इसमें बढ़ा सकते हैं, जो भी बहुत अच्छी बात है। साइड माउंटेड यहाँ पे फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है, लगभग अभी सभी मिड रेंज में यही वाला मिल रहा है। सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो है डिस्प्ले की। 6.6 इंचेस की FHD+ वाली डिस्प्ले मिल जाती है आपको इसमें, जो काफ़ी अच्छी है, कलर्स बहुत अच्छे मिलेंगे। FHD+ की जगह अगर सुपर एमोलेड होता तो बात ही कुछ और होती है, लेकिन 11-12 हज़ार के अंदर सुपर एमोलेड मिलना, वो भी इतना, मतलब इतनी ज़्यादा उम्मीदें मत रखा करो यार, इतना मिलेगा भी नहीं। 1080p रेजोल्यूशन मिल जाता है आपको, 600 निट्स तक जाती है इसकी ब्राइटनेस, जो भी बहुत अच्छी बात है। अब बात करते हैं बैटरी की, 5000mAh की बैटरी जिसमें 18 वाट का क्विक चार्ज मिलता है। 18 वाट को क्विक चार्ज तो नहीं बोल सकते, लेकिन फिर भी ठीक है, कोई बात नहीं, 1 से 1.5 घंटा लग जाएगा। मैसिव बैटरी जिस तरह का यहाँ पे लिखा हुआ है इन लोगों ने, जैसे इन लोगों ने शायद इसमें ट्रक की बैटरी डाल दी हो। 18 वाट का क्विक चार्ज, फास्ट चार्जिंग मिल जाता है, लेकिन इतना फास्ट नहीं है, 1 घंटे से 1 घंटे 15 मिनट 20 मिनट तो आपका लग ही जाएगा इसमें। अब इस 5000mAh की बैटरी पे ये लोग दावा करते हैं 17 घंटा यूट्यूब, 19 घंटा व्हाट्सएप, 49 घंटा कॉलिंग, 85 घंटा स्पॉटिफाई, 8 घंटा गेमिंग घंटा। हाँ ठीक है, आगे बढ़ते हैं वीडियो में। कैमरे की अगर बात की जाए तो 50MP का AI ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल जाता है आपको इसमें, और ये काफ़ी अच्छी बात है इस प्राइस रेंज के अंदर। 50MP का प्राइमरी कैमरा, ब्लैक एंड व्हाइट लेंस एक ठो, माइक्रो लेंस एक ठो, कितने मेगापिक्सल का पता नहीं, लेकिन 2 मेगापिक्सल ही होंगे। इससे आप फोटो लेंगे ना तो इस तरह की खूबसूरत दिखेंगे आप, चौंकने की जरूरत नहीं, मजाक कर रहा था यार। काफ़ी अच्छे फोटोग्राफ्स यहाँ पे निकाल सकते हैं आप। वैसे 8MP की इसमें सेल्फी कैमरा भी मिल जाता है, सेल्फी कैमरा मतलब बहुत ज़्यादा तो अच्छा नहीं होता 8MP का, लेकिन फिर भी ठीक ठाक चल जाएगा। अब बात करते हैं हम इसके प्रोसेसर की। अभी लगभग क्या है कि सभी नार्जो और सी सीरीज़ के फ़ोन्स में आपको यही यूनिसॉक का टी सीरीज़ का प्रोसेसर मिल जाता है आपको, T612 का, और ये आपका 12nm वाला प्रोसेसर है, फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी वाला कॉर्टेक्स, यहाँ पे A75 से ग्राफिक्स मिल जाता है, काफ़ी ठीक ठाक है, अच्छा प्रोसेसर कहूँगा मैं। और मैंने इसका एक सी सीरीज़ का फ़ोन भी परचेज किया हुआ था, C25Y, उसमें भी यही सेम प्रोसेसर मिला था। स्पीड काफ़ी अच्छा है मैंने देखा है, नॉर्मल डे टू डे यूज़ में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। गेमिंग आपको हाई सेटिंग में नहीं खेल सकते, लेकिन ठीक ठाक कर सकते हैं आप इसमें गेमिंग, ठीक है। और वैसे भी गेमिंग के लिए मैं ये फ़ोन रेकमेंड नहीं करूँगा, ठीक है, गेमिंग के लिए आप थोड़ा सा बजट और बढ़ाइए। डिज़ाइन इसका काफ़ी अच्छा है, टेक्सचर बहुत अच्छा है, और इसके डिज़ाइन से मुझे एक और डिज़ाइन ज़्यादा अच्छा लगा, वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा आगे चल के। एंड इसमें 2 ही कलर अवेलेबल हैं, मुझे लगा था थोड़ा ज़्यादा कलर अवेलेबल होते तो अच्छा होता। प्राइस के बारे में बात की जाए तो 4GB 64GB वाला जो वेरिएंट है वो मिल जाता है आपको 11,500 रुपये के अंदर, ठीक है। और 4GB 128GB वाला जो वर्जन है वो आपको मिलेगा 12,500 के अंदर, तो ठीक ठाक ही प्राइस है, एवरेज प्राइस है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें शायद थोड़ा ज़्यादा मिलना चाहिए था। C35 का डिज़ाइन मुझे इसके मुकाबले ज़्यादा अच्छा लगा। अब आपके ऊपर मैं ये मतलब छोड़ता हूँ ये फैसला कि कैसा रहेगा ये फ़ोन, आपको अपनी नीड्स के लिए इसे आप परचेज़ करने वाले हैं या नहीं। मैं तो कहूँगा नॉर्मल डे टू डे यूज़ के लिए बढ़िया फ़ोन है, एकदम बढ़िया है, आराम से आप इसे यूज़ कर सकते हैं, व्हाट्सएप हो, फ़ोनपे यूज़ करते हो या और कोई जो भी ऐप्स यूज़ करते हो आराम से कर पाएंगे। सो वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। मज़ा आया और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ।